यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे हुए सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि उनका स्कॉलरशिप स्टेटस डेट आ चुका है। फाइनली आज आप लोगों का डेट जारी कर दिया गया है। आप लोगों का स्टेटस किस दिन से शो होगा, साथ ही किस डेट को आपको करेक्शन करवाना है और आपका स्कॉलरशिप किस डेट को आएगा, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल नोटिस के मुताबिक देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी दबा करके ऑल पर करिए यूपी स्कॉलरशिप 2024 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड फैमिली मेंबर स्टूडेंट के साथ में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म भरा था, इस वीडियो में कौन कौन से स्टूडेंट का ऑनलाइन स्टेटस का डेट बताने वाला हूं उसको आप जान लीजिए। पहले जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म भरा था उनका करेक्शन डेट, उनका स्टेटस डेट इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी के सेकेंड राउंड में फॉर्म भरे थे, यानी कि जनवरी में जो जनरल ओबीसी या माइनॉरिटी के स्टूडेंट फॉर्म भरे थे उनका स्टेटस डेट करेक्शन डेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो राउंड में फॉर्म भरा गया है जिसकी वजह से नई या क्या कहते हैं कि अलग अलग करेक्शन और स्टेटस की डेट आई हुई है। इस वीडियो में एससी एसटी फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट का करेक्शन डेट है और जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के सेकेंड राउंड के स्टूडेंट का, जो जनवरी में जनरल ओबीसी के स्टूडेंट है भरे थे उनका बताने वाला हूँ, और जो दिसंबर में फॉर्म भरे थे एससी एसटी उनका करेक्शन डेट स्टेटस डेट बताने वाला हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टाग्राम पर फिर फॉलो करके वहाँ पर डीएम करके पूछ सकते हैं आसानी से। और यह वीडियो उन सभी पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट के लिए है, जो बी ए बी एस सी बी कॉम एम एम एस सी एम कॉम बी ए डी एल एड जो भी कर रहे हैं उनके लिए यह स्टेटस की डेट बताई गई है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, आप लोगों का स्टेटस 24 जनवरी 2024 से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक आप लोगों का स्टेटस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ साफ पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आपका जो करेक्शन डेट है 12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप लोगों का करेक्शन डेट दिया गया है। 12 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक आप लोगों का करेक्शन डेट यहां पर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का जब करेक्शन करके आप लोग फॉर्म जमा कर देंगे उसके बाद आप लोगों का री स्टेटस चेक होगा, यानी कि री स्टेटस जारी होगा, जो गलतियाँ रहेंगी उसको सुधारी जाएंगी। उसके बाद जो नया स्टेटस जारी होगा वो 24 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 तक आपका नया स्टेटस जारी कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें चेक करने के बाद में। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वेरीफाई किया जाएगा 12 मार्च 2024 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। जो भी गलतियां रहेंगी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जो करेक्शन करके दोबारा जमा करे रहेंगे उनका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद 22 मार्च 2024 तक आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 22 मार्च 2024 तक स्कॉलरशिप खाते में आ जाएगी, ये फरवरी से आने स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 22 मार्च लास्ट है, उस 22 मार्च तक सभी के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी स्टेटस में जो भी गलतियाँ होंगी वो हमारे माध्यम से आप आसानी से सही करवा सकते हैं, क्योंकि हम विकास भवन में जा करके सारी चीज़ें पता करते हैं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें किस तरह से करेक्ट करवाना है, तब आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। 22 फरवरी 2024 से आप लोगों का 24 जनवरी 2024 से आप लोगों का स्टेटस शो होने स्टार्ट हो जाएगा। 9 फरवरी 2024 तक आप लोग स्टेटस देख पाएंगे, दो तीन दिन बाद स्टेटस आपका आ जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।